अरे ये क्या कर रहे हो, हाथ क्यों लगा रहे उससे? बिट्टू कह रहे हैं जी, उन्होंने वीडियो डाला है, दोस्त है वो, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका दोस्त केवल इतना कि वो हिंदू है। तो ये देख सकते हैं साफ तौर पर, आप अभी यहाँ पर सनातन धर्म के गुरु मौजूद थे और अभी जिस तरीके से इनको ले जाया जा रहा है पब्लिक मीडिया बाइट से, उसको भी नहीं लेने दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर चेक कर लो, 15-15, 12-12 बच्चे, तो हिंदुओं की जनसंख्या तो खत्म हो गई, तो 29वें भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और वही होगा यहाँ जो पूरी दुनिया में हुआ है। यहाँ हिंदुओं का 40% हिंदुओं का अगले केवल 20 सालों में कत्ल होगा, 50% हिंदू अपनी इच्छा से या डर की वजह से धर्म परिवर्तन करेंगे और 10% जो हिंदू बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। आपको नहीं लगता आपके बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द भारत का कहां कैसे, क्या नूह में था मैं, क्या नूह में था मैं, क्या कश्मीर में था मैं, क्या बंगाल में था मैं, क्या केरल में था मैं, क्या मेरे ही बातों से सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो रहा है? पिटने के बाद रो भी नहीं सकते हम रोवे भी ना, मतलब क्या लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदू के लिए इस देश में? हम रोवे भी नहीं, हम बताए भी नहीं, पीड़ा बोले भी नहीं, हम केड़ा बोलते हैं इनकी पीड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस बल जो है भारी संख्या में मौजूद है और मेवात कांड के विरोध में जो महापंचायत रखी गई थी, पंचायत में आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम सनातनी जो है हिंदू विश्व परिषद के तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस फोर्स किसी से मीडिया से उनको बात तक करने नहीं दे रही है, तमाम पुलिस फोर्स जो है वो अंदर तक मौजूद है। तस्वीरें आप इस वक्त हमारे स्क्रीन के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है, किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने तक नहीं दिया जा रहा, बात करने नहीं दिया जा रहा, लगातार जो बयान है वो साफ तौर पर माइक के जरिए जो अंदर सनातनी और विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता हैं जो अंदर मौजूद हैं वो देते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी बात करने नहीं दिया जा रहा। आगे भी तस्वीरें अगर आप देख पाएंगे तो मौके पर ACP और मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल महापंचायत रद्द हो चुकी है, तमाम हिंदू समाज के और विश्व हिंदू परिषद के जितने भी लोग आए थे उन सबको भेज दिया गया है। यही इस बीच में आपको बता दूं, कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, विजय कट्टर हिंदू को भी डिटेन कर लिया गया। महापंचायत रद्द होने का कारण यही बताया जा रहा है कि कुछ हेट स्पीच स्टेज से दी जा रही थी, जिसके बाद DCP एडिशनल DCP जो है हेमंत तिवारी, उन्होंने इस पूरे महापंचायत को रद्द किया है। फिलहाल अगर आप चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे तमाम पुलिस बल CSF के जवान यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल इस महापंचायत को रद्द